हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस योर फोर्थ चैप्टर ऑफ इंग्लिश बुक. द नेम ऑफ योर लेसन इज नो डर्ट नो फ्लाइज. कि अगर गंदगी नहीं तो मक्खियाँ नहीं. फ्लाइज मीन्स मक्खियाँ. सो लेट्स स्टार्ट रीड अवर चैप्टर. रितु एंड हर मदर. रितु और उसकी मदर वो क्या है, आपस में बात कर रहे हैं इस चैप्टर में. तो क्या कहती है रितु? रितु, लेट्स गो टू द मार्केट मदर. मदर, ओके माई डियर, गेट रेडी. रितु, कैन आई हैव दो स्वीट्स मॉम? मदर, मदर, नो माई चाइल्ड, दे आर नॉट गुड फॉर ईटिंग. रितु, वाई मदर? मदर, यू सी देम, फ्लाइज आर सिटिंग ऑन दो स्वीट्स. रितु, डू फ्लाइज मेक देम डर्टी? मदर, येस माई चाइल्ड. रितु, बट हाउ? तो इसमें क्या कहती है रितु? रितु अपनी मम्मा को बोलती है कि मम्मा चलो मार्केट चलते हैं. तो मदर क्या कहती है कि ओके माई डियर, गेट रेडी, तैयार हो जाओ. तो रितु क्या कहती है, कैन आई हैव दो स्वीट्स? तो ये जो स्वीट्स है, तो वो रितु अपनी मदर को बोलती है कि क्या मम्मा मैं ये स्वीट्स ले सकती हूँ? तो मदर बोलती है, नो माई चाइल्ड, ये क्या है, ये हमारे लिए अच्छे नहीं है, ये खाने के लिए गुड फॉर ईटिंग, नॉट गुड फॉर ईटिंग, मतलब कि ये खाने के लिए अच्छे नहीं है. रितु, वाई मदर? वाई मदर मीन्स क्यों मम्मा, क्यों अच्छे नहीं है. मदर तो क्या बोलती है, यू सी देम, क्या आप तुमने उसे देखा है, ये देखो जो स्वीट्स है उस पर क्या बैठी हुई है, फ्लाइज. फ्लाइज मीन्स मक्खियाँ. मक्खियाँ क्या है, स्वीट्स पर बैठी हुई हैं. तो रितु पूछती है कि जो मक्खियाँ हैं इन्हें गंदा कर देती हैं. तो मदर बोलती है, येस माई चाइल्ड. तो रितु पूछती है कि मक्खियाँ कैसे गंदा करती है इसको. सो लेट्स रीड नेक्स्ट पेज. मदर, फ्लाइज कम फ्रॉम डर्ट, दे सिट ऑन डर्ट. व्हेन दे फ्लाई, दे कैरी डर्ट विद देम. रितु, एंड व्हेन दे सिट ऑन स्वीट्स, दे मेक द स्वीट्स डर्टी. मदर, येस यू आर राइट माई चाइल्ड. तो मदर क्या कहती है कि फ्लाइज कम्स फ्रॉम डर्ट. जो फ्लाइज है वो कहाँ से आती हैं, गंदगी से आती हैं. डर्ट मीन्स गंदगी. दे सिट ऑन डर्ट, वो गंदगी पे बैठती हैं. व्हेन दे फ्लाई, जब वो उड़ती हैं तो वो अपने साथ क्या कैरी कर लेती हैं, डर्ट. तो जब मक्खियाँ गंदगी पे बैठती हैं तो गंदगी अपने साथ ही उठा लेती हैं. तो नेक्स्ट क्या है, रितु कहती हैं कि फिर वो स्वीट्स पे बैठ जाती है और फिर क्या है, स्वीट्स को भी गंदा कर देती हैं. जैसे वो अपने साथ गंदगी उठा के जब स्वीट्स पे आके बैठती हैं तो स्वीट को भी गंदा कर देती है. मदर क्या कहती है कि यस यू आर राइट, तुम सही हो मेरे बच्चे. रितु आगे क्या बोलती है, रितु, हाउ कैन वी कीप फ्लाइज अवे, हम फ्लाइज को दूर कैसे रख सकते हैं. मदर, वी कैन कीप फ्लाइज अवे बाय कीपिंग आर ऑन टाउन नीट एंड क्लीन. फ्लाइज स्टे अवे फ्रॉम अ क्लीन टाउन. तो मदर कहती हैं कि हम कैसे रख सकते हैं मक्खियों को दूर अपने टाउन से, अपने टाउन को नीट एंड क्लीन रख के, बिल्कुल सफाई रख के. अगर हम अपने टाउन को बिल्कुल क्लीन रखेंगे, सफाई रखेंगे, तो क्या है, मक्खियाँ हमारे टाउन से दूर रहेंगी. रितु, ओके मदर, आई प्रॉमिस दैट आई विल कीप माई टाउन नीट एंड क्लीन. तो रितु क्या है, अपनी मॉम से प्रॉमिस करती है कि मम्मा मैं अपने क्या है, टाउन को नीट एंड क्लीन रखूँगी. मदर, गुड माई चाइल्ड, बहुत अच्छा मेरे बच्चे. तो इसमें क्या है, आपने आपको क्या बताया गया है कि अगर हम अपना इन्वायरमेंट क्या है क्लीन रखेंगे तो क्या है, मक्खियाँ भी नहीं आएंगी, तो और भी ऐसे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी नहीं आएंगे. तो हमें क्या है, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखना चाहिए. जैसे अगर आप अपने घर को भी क्लीन रखोगे तो वहाँ पे भी क्या है, फ्लाइज नहीं आएंगी. तो इस लेसन में आपको यही बताया गया है कि हमें अपने अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखना चाहिए. हमें कुछ भी इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए. अगर हमको बाहर भी कहीं जाते हैं तो हम इधर उधर कुछ फेंक देते हैं तो उससे क्या है, गंदगी पैदा होती है. तो वहाँ पे क्या है, कूड़े के ढेर बन जाते हैं और फिर क्या है, मक्खियाँ आती है. इसलिए हमें क्या है, जो भी फेंकना है उसे डस्टबिन में फेंकना चाहिए और अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखना चाहिए. तो इस लेसन के कुछ टफ वर्ड्स हैं, लाइक वर्ड मीनिंग.
तो वो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वर्ड मीनिंग है आपका मार्केट। मार्केट मीन्स ए प्लेस फ्रॉम वेयर यू बाय थिंग्स एक्सेट्रा। मार्केट क्या होती है? वो थिंग, वो वाली प्लेस जहाँ से हम थिंग्स खरीदते हैं, जिसको हम बाजार बोलते हैं। नेक्स्ट है डर्टी, फुल ऑफ डर्ट, जो गंदगी से भरा हो। डर्टी मीन्स गंदगी। क्लीन, फ्री फ्रॉम डर्ट, जहाँ पे गंदगी बिल्कुल ना हो, मतलब कि साफ। क्लीन मीन्स साफ। तो आपने क्या है, इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, और ये इस लेसन के कुछ टफ वर्ड है वो भी अच्छे से उनके स्पेलिंग लर्न करनी है। सो थैंक यू सो मच।